तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस, आज का जो ब्लॉगिंग है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, हमारे गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक राइस मिल है और मैंने सोचा कि इस ब्लॉगिंग में आपको उस मिल को भी दिखाया जाए। और बाकी आप देख सकते हैं मैं उसी मिल के पीछे खड़ा हूँ। लगभग मिल की बात करें तो लगभग मिल लगभग 10 साल पुराना है और 7-8 साल से बंद नहीं पड़ा हुआ है। मिल के बंद होने का पीछे का कारण है कि यहाँ जो है, यहाँ चावल तो बनता ही था, लेकिन चावल के साथ साथ यहाँ गलत काम भी मतलब किया जाता था, जैसे कि शराब वगैरह का जो है स्मगलिंग यहाँ से किया जाता था। इसी कारण से इस मिल पर एक बार छापा पड़ा और तब से लेकर अब तक इस मिल को बंद ही देखा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो पीछे का बैकग्राउंड है आप देख सकते हैं, पूरा जंगल पड़ा हुआ है। इस मिल के पीछे के दीवार पे एक छेद दिख रहा है और मैं उसी छेद के माध्यम से दिखाऊंगा कि मिल के अंदर जो है वो क्या क्या मशीनें वगैरह हैं। तो चलिए देखते हैं। और गाइस, मिल के बाहर क्या है मैं आपको उसे भी पिछले कैमरे से एक बार अच्छी तरह से दिखा दूं, तो आप देख लीजिए। तो गाइस, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमें ये भी बताएं कि हमारा जो वीडियो है उसमें क्या क्या कमी हो रही है और क्या क्या गलतियां हो रही है, ताकि मैं उसको सुधार सकूं और आपके लिए एक अच्छी सी ब्लॉग का वीडियो जो है वो लेके आ सकूं। तो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।